पर बनाए जाते थे, अभी तो टूट चुका है। प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ कुछ अराजक तत्व मानव भी होते हैं जो इसे नुकसान पहुंचाते हैं अपने लालच की वजह से। उसी की वजह से ये सारे चीज खंडहर हो चुके हैं। तो देखिए कि इस तरह से कैसे कमरा होता था उस समय रहने के लिए। ये गलियारी हुआ करता था, ये गलियारी और ये रूम हुआ करता था। आप जो दिख रहे हैं ये रूम है जिसमें लोग रहा करते थे, उस समय के जो भी लोग होते होंगे रहा करते थे। आइए एक और भी डेंजर चीज दिखाते हैं आपको। यहाँ आइए इसके अंदर देखिए क्या है, देखने की कोशिश करते हैं झांक कर। इसके अंदर भी एक रूम बना हुआ है, तो उसमें चलने की कोशिश करते हैं क्या घुसने के लिए किधर से रास्ता है। फिलहाल इधर से तो बस दिख नहीं रहा है। तो आइए एक एक चीज को, एक एक रहस्य को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो सब्सक्राइब करना बनता है भाई। चलो यहाँ से चलो आगे चलते हैं। तो पीछे हमने जो देखा वो इसके पीछे का हम लोग देख रहे थे, इस दरवाजे से आकर। और यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा चीज दिखा रहे हैं, मतलब इसको इस व्यू से बनाया गया था कि पीछे से शानदार झील का नजारा आए और रानी देखकर इसे खुश हो और हैप्पी फील करें। जैसे कि देख लीजिए सामने किस तरह से, मतलब ये झील का पानी है आपको दिख रहा होगा, साथ ही इसके चारों तरफ का कुछ इस तरह का नजारा है। जहां तक आपको नजर जाएगा वहां तक पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे। और किला देख ही रहे हैं कि जर्जर स्थिति में टूट चुका है मैक्सिमम किला। यहाँ पे जो भी है रूम वो मैक्सिमम टूट चुके हैं दोस्तों, जैसा कि ये देख रहे हैं सामने खंडहर हो चुका है। और ये लास्ट किला है, इसके बाद नीचे एक दो तहखाने बने हुए हैं, उसे हम एक्सप्लोर करके इस वीडियो को एंड करेंगे। तब तक पूरे वीडियो को देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब की जरूर कीजिएगा अभी तक नहीं किए हैं तो। सामने कल कल करता ये जल, और इसके नीचे भी जाने का, इसके नीचे भी जाने के लिए कुछ सीढ़ियां बने हुए हैं। तो हम चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसके नीचे चलकर देखते हैं कैसे रास्ता है जाने के लिए। आइए तो इस तरह से सीढ़ियां हुआ करते थे पहले, से नीचे लोग जाया करते थे। तो हम भी नीचे जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको। ये सबसे ग्राउंड फ्लोर पर यानी नीचे डाउन में आ गए हैं। आइए इधर भी कमरा बना हुआ है, उसे भी आप देख ही लीजिए कुछ इस तरह का बना हुआ है। देख रहे हैं ना बहुत ही भव्य, इसकी मजबूती देखिए। आइए और एक इधर देखिए तहखाना बना हुआ है, बहुत अंधार है यार, बहुत ही डरावना खुतिया किला है यहाँ। ऐसा माना जाता है ना कि यहाँ भूत रहता है, रात के लोग नहीं आ पाते हैं यहाँ, लेकिन हम लोग दिन में आए हैं। और बरसात के समय में तो यहाँ मतलब हरियाली इतना हो जाता है कि सबसे पानी टपक के रहता है खून की तरह। एक तहखाना बना हुआ है ऐसे, यहाँ भी देख लीजिए, देखिए यहाँ आइए, ये देख रहे हैं ना तहखाना बना हुआ है। इसे भी लोग तोड़ चुके हैं, मतलब इसको भी लोग सोना चहचाने के चक्कर में, इसे देख लीजिए नीचे किस तरह से खंडहर कर चुके हैं। ये ऊपर से टूटा नहीं है, ऊपर से पूरा बढ़िया है, अच्छे तरीके का है, लेकिन नीचे देख लीजिए, नीचे ये देखिए ये सब कैसे लोग फोड़ कर दिए हैं, किसके नीचे कुछ दबा होगा। इसके दूसरे तरफ एक और है, दूसरे तरफ आइए इसे भी दिखाते हैं बस। तो देख रहे हैं ना यहाँ कुछ इस तरह का बना हुआ है, बहुत ही ठंडा है। यहाँ भी एक अंदरूनी घर बनाया गया है, देख रहे हैं ना यहाँ भी कुछ इस तरह का बना हुआ है, ये भी अंधार है बहुत। और इसके भी इसे भी लोग यहाँ देखिए फोड़ चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, और भी बहुत कुछ है दिखाना। तो आइए एक किला का लास्ट सीन है दोस्तों, इधर बाहर एक दरवाजा है दिखाते हैं। आइए उसी तरह का दरवाजा बना हुआ है, बहुत बिजोर हवा इधर से बाहर आ जाते हैं। बाहर भी एक बाउंड्री है और यहाँ भी एक दरवाजा है, और इधर भी कुछ किले की तरह बने हुए हैं। आइए दिखाते हैं। तो इस तरह से कोई भी एक्सप्लोर नहीं करता है, हमने पहली बार इसे पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने का कोशिश किया है, क्योंकि इसे भूतिया किला का नाम दे दिया गया है, जिसके वजह से यहाँ लोग आते नहीं है। बाहर कुछ इस तरह का नजारा है, देख रहे हैं ना। आइए यहाँ एक दरवाजा है, दिखाते हैं क्या दिखता है। यहाँ देखिए इस तरह से बाहर का नजारा देखने के लिए बनाया जाता था। यहाँ भी पहले ये रूम हुआ करता था, लेकिन ये टूट चुका है, इस तरह से इधर ढह चुका है, देख रहे हैं ना पूरा इधर खाली खाली हो चुका है। यहाँ से क्रमशः डैम देख लीजिए, वो
तो कुछ इस तरह से सेठगढ़ किला को एक्सप्लोर करके हम आप सबको दिखा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, यहाँ तक के लिए थैंक्स।